भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कुछ लोगों को कुछ पसंद ही नहीं आता है, कुछ भी करो कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते हैं। मालूम है, एक पति पत्नी थे। पति हमेशा गुस्सा, हमेशा गुस्सा, हमेशा गुस्सा, तू ये क्या बनाती है, तो वो क्या बनाती है। बिचारी भोजन बनाती, आज उसने सोचा जैसा पति चाहेगा वैसे ही बनाऊंगी। जब देखो तब झगड़ा, सब्जी अच्छी नहीं बनाई, अचार अच्छा नहीं बनाया, चटनी अच्छी नहीं बनाई, रोटी अच्छी नहीं बनाई। पत्नी तो परेशान हो गई कि आज जब बैठता है तब कमियां निकालता है, जब देखो तब मेरी कमियों को देखा करता है। पत्नी ने कहा, एक काम करो, आज तुम जो जो कहोगे वही वही बनेगा। उस दिन पत्नी ने पूरे उसके मन का भोजन बनाया। वो जब भोजन बना के परोसा, पति ने खाया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन लगा, लेकिन आदत तो वही पड़ी है। पत्नी को बोला कि बेवकूफ, इतना भी अच्छा बनाने की क्या जरूरत थी। आदमी की आदत तो देखो, उसका काम वही है कि कमी निकालेगा। अच्छा बनाए तो क्या जरूरत थी, और बुरा बनाया तो ऐसा बनाया। ये आदतें भी बंद करिए, ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि नेताओं ने देश बर्बाद किया है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, 75 साल पुराना भारत देखना और आज का भारत देखना, देश ने उन्नति की है, देश ऊंचाइयों पर पहुंचा है, आज मजबूत भारत बनकर के खड़ा हुआ है। किनकी बदौलत खड़ा हुआ है, ये बात अलग है। दो चार हर जगह गड़बड़ होते हैं, 100 नारियल लाओगे तो दो चार तो सड़े निकल ही जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन दो चार सड़े के लिए 1000 अच्छों का अपमान नहीं होना चाहिए, ये जिंदगी का। 75 साल पुराना भारत याद है क्या, बैलगाड़ी वाला भारत अंतरिक्ष में जा रहा है, ध्यान रखिए। सोचिए, चिट्ठी लिखने वाला भारत एक सेकंड में सारी दुनिया को मुट्ठी में कर रहा है, ध्यान रखना। ये मेरे भारत का 75 साल में विकास हुआ है, विचार करिए। और आज इतनी आजादी से माताएं बहनें बैठी हैं, तो ध्यान रखना ये भारत की तरक्की का परिणाम हुआ करता है, ध्यान रखना। कहाँ ह्रास हुआ है, भारत का विकास हुआ है, भारत उन्नति पर पहुंचा है। कहाँ का भारत, कहाँ नितिन गडकरी लगे हुए हैं, 2 घंटे में यहां पहुंचा देंगे, 1 घंटे में वहां पहुंचा देंगे, 4 घंटे में वहां पहुंचा देंगे। और क्या तरक्की चाहते हो तुम लोग, ये बताओ। क्या मोक्ष को ही नीचे उतार के रख दें ये लोग लाके, क्या स्वर्ग ही लाके यहाँ पर रख दें। किया तो है ना मेरे भाई, विकास तो हुआ। पॉजिटिव सोच रखोगे, कहाँ का भारत कहाँ पहुँच गया, ध्यान रखना। सोचना है आपको, कितनी ऊंचाइयाँ हमने पाई हैं। मान्यवर, वचनों में इतनी मिठास पैदा करो, ये राम, ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये महावीर जब बोलते थे ना, तो दुनिया पागलों की तरह उनके पीछे भागा करती थी, दीवाने हो जाते थे लोग उनके शब्दों के, दीवाने हो जाते थे उनके वचनों के। अरे जब वो थे तब भी दुनिया उनके पीछे भागती थी, और जब आज वो नहीं है तो भी उनकी दुनिया उनकी वाणी के पीछे भागा करती। किसका खेल है, वाणी का। कबीरदास, सूरदास, ये कौन से पढ़े लिखे लोग थे दुनिया में, कौन सी डिग्रियां इनको हासिल हुई थी, कौन से स्कूलों में जाके शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन आज भी यदि इन अनपढ़ लोगों पर एक बात याद रखना, ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कागज कलम छुई नहीं, मशीन लीनी हाथ, उनको तो साइन करना भी नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने वो लिख गए, इतना कह गए। आज पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ों पर PhD कर रहे हैं, ध्यान रखिए। इन अनपढ़ों का अनुकरण कर रहे हैं, ध्यान रखना। जिन्हें कुछ नहीं आता था वो ऐसे लिख कर, ऐसी वाणी लिख करके जाते हैं, आज भी लोग उनके दीवाने हुआ करते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आज भी लोग इन पर प्राण निछावर करने को तैयार हुआ करते हैं, ध्यान रखना। क्या था इनके पास, मीठी वाणी, ध्यान रखना। और आज इतने औरंगाबाद के 1000 लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, ये मीठा रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाने नहीं बैठे हैं, ये संत की मीठी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से चलकर यहाँ आए हैं, ध्यान रखना। दूध फट जाए तो गुस्सा कौन करता है, बोलो। दूध फट जाए तो गुस्सा कौन करता है, बोलो। देवियो, ललित पाटनी, यहां इशारा मत करो, यदि देख ली ना तो इशारा किनारा कर देगा तुम्हारा, ध्यान रखना। ये क्यों महाराज के सामने बड़े बन रहे थे, आओ अब घर में तुम, ध्यान रखना।
दूध फटता है तो गुस्सा कौन करता है? मेरा एक प्रश्न है, पुरुष भी बता सकते, महिला भी बता सकती है, दूध फटता है तो गुस्सा कौन करता है? प्रकाश, चल अपन तो करते ही नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है, क्या करें? जब पति भोजन करने बैठे और खाने में सब्जी की जगह बार बार अचार मांगे तो समझ लेना सब्जी में दम नहीं है, एक कली और अचार ला, एक पीस और अचार ला, इसका मतलब सब्जी में दम नहीं है, और सब्जी में दम नहीं है ये कहने का भी इनमें दम नहीं है, समझ में आ रहा है? हालात बड़े खराब हैं, ये कहने का भी दम नहीं है, वो दम इसलिए नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में हम नहीं हैं, ध्यान रखना, इसलिए हम बैठे अभी बोल दो, दूध फटता है तो नाराज कौन होता है, दूध फटता है तो गुस्सा कौन होता है? एक बात याद रखना, प्रश्न छोटा है उत्तर बड़ा गहरा हुआ करता है, दूध फटता है तो गुस्सा कौन होता है? अरे ना नारी गुस्सा होती है, ना माँ गुस्सा होती है, ना पत्नी गुस्सा होती, ना पति गुस्सा होता है, दूध फटता है तो वो गुस्सा होता है जिसे फटे दूध को रसगुल्ला बनाना नहीं आता है, वो जीवन में गुस्सा हुआ करता है, जिसे छेना बनाना नहीं आता है, जिसे व्हाइट रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं, वो फटे दूध पे गुस्सा होता है, और जिसको बनाना आता है, दूध कितना भी फट जाए वो आनंद में जिया करता है, ध्यान रखिए। आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, दिल टूटता है तो गुस्सा वो होता है जिसे टूटे हुए दिल को मनाना नहीं आया करता है, मनाना आ जाए तो नाराजगी अपने आप दूर हो जाया। मुझे तो आती है, मैं महावीर को डांट भी देता हूँ, प्रकाश को डांट भी देता हूँ, ललित पाटनी को डांट भी देता हूँ, लेकिन मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है इन फटे दूधों से रसगुल्ला कैसे बनाना। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। हालांकि ये दूध फाड़ा मैंने नहीं है, ये रोज 8:30 बजे घर से ही फटके आते हैं। समझ गए, मैं तो छेना बना देता हूँ, पनीर बना देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। मान्य आपसे निवेदन, मीठा बोलो। बेजुबानों की बात क्या कहूं, बेजुबानों की बात क्या कहूं, हमने तो जुबान वाले बेजुबान होते देखे हैं। मान्य